जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के बदले पंजाब और विफाकी हुकूमत देने की ऑफर की थी। वजीर दिफा का दावा, नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन के बदले कोई एहसान ना लेने की हिदायत की। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम पर सियासी जमातों के तहफ्फुज़ात दूर करने की भी यकीन दहानी। मौलाना फजलुर्रहमान ने ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया। मुल्क में रियासती रिट कायम नहीं। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एपेक्स कमेटी मीटिंग अजम पाकिस्तान का जिक्र आया, ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा वाज़े कर दिया। ऑपरेशन की तफसीलात सामने आएंगी तब ही बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कल तक मुलतवी। मखसूस नशस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइन ये भी कहता है कि किसी जमात को उसकी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से ज्यादा नशस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब का मकालमा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 लाशें मिली। रेस्क्यू के मुताबिक कुछ अफराद गर्मी से फौत हुए, दीगर नशे के आदी थे। 2 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 17 हो गई।